धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु मसीह, हमारे संग संग सदा बनने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति महिमा और बड़ाई करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक बातों के लिए, हमारे जीवन में महान कार्य करने के लिए, बड़ी बड़ी योजनाओं को लागू करने के लिए। हमें सदा ही आपने प्रभु अपनी आशीष और बरकत से परिपूर्ण करा, आपका धन्यवाद करते हैं। और हम आने वाले जीवन में, आने वाले समय में आपकी स्तुति और महिमा हम करते रहें और आप हमारे आशीष और बरकत को बनाए रखें। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके प्रावधान, उपचार, शांति, सफलता और हर प्रकार के आशीष के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके सामने पूरे कृतज्ञता और विश्वास भरे दिल के साथ आज आपके सामने हैं प्रभु। हम जानते हैं कि आप हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करने वाले हैं और आपको पता है प्रभु हमें क्या चाहिए। इसलिए प्रभु हमें अपनी आशीष से पर भर दें और जो हमारी आवश्यकताएँ, हमारी ज़रूरत हैं, आप उनको पूरा करें। आपका वचन हमें आश्वासन देता है कि आप अपने गौरवशाली धन के अनुसार हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, हमें केवल स्वर्ग की आशीष से भरते हैं। हाँ प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं अपने और अपने हर प्रकार के जरूरतों को आपके सामने प्रकट करता हूँ। हम सभी भाई और बहनें मिलके प्रभु आपके सामने अपने जरूरतों को रखते हैं कि आप प्रभु जो हमें प्रदान करते हैं, हमें हमारे जीवन की हर आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपकी आशीष पर भरोसा है, क्योंकि आप हर प्रकार के स्रोता हो प्रभु, क्योंकि सब कुछ आपके नाम में ही है। और आपके नाम पर हम उन सभी प्रावधानों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आवश्यकता है प्रभु, जिसके स्रोता आप हो, आप जो हमारे लिए सभी चीज़ों का व्यवस्था करते हो, बंदोबस्त करते हो, आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, कि आपके सिवाय हमारे काम को पूरा करने वाला कोई नहीं और आपके सिवाय कोई नहीं। हाँ प्रभु, आप महान उपचारक हैं, आपके स्पर्श में, आपके वचन में प्रभु वो उपचार मौजूद है जो हमें हमारे हर प्रकार के शारीरिक और भावनात्मक रूप से प्रवाहित करता है, हमारे शरीर, मन और आत्मा में स्वास्थ्य और पुनर्स्थापना को प्रकट करते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में सबको समर्पित करते हैं। हमारा जो जीवन, हमारा जो आत्मा, शरीर है, मन है प्रभु, आप उसे स्वस्थ करें, हमारे जीवन को हर प्रकार के रोग से बचाएं और आने वाले मुसीबतों और खौफ खतरों से हमें छुड़ाएं, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद 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 करते हैं कि आपका वचन यूहन्ना 10 के 10 में लिखा है, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हम आपके वादे पर दावा करते हैं और विश्वास करते हैं कि आप हमारे जीवन में प्रचुर मात्रा में आशीष और हर प्रकार की अच्छी चीज़ें हमारे प्रदान करने वाले हैं। आपने हमसे बहुतायत का वादा किया है प्रभु, आपने हमारे पूर्वजों से बहुतायत दिया है प्रभु, और वो वायदा हम आज अपने जीवन में वो मांगते हैं, वो लागू करते हैं कि हमारे जीवन की प्रचुरता में आपकी आशीष और बरकत हो, आपकी ब्लेसिंग हमारे संग बनी रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रभु, आप जो हमारे जीवन में शांति और शालोम देते हैं प्रभु, वो सदा बनी रहे। आज की भाग दौड़ के जीवन में प्रभु, जहाँ हमारे जीवन में शांति खो रही है प्रभु, हम आपके चरणों में अपना जीवन समर्पित करते हैं ताकि हमें आपकी शांति और शालोम प्रकट हो प्रभु। हालेलुया प्रभु, कि आप जानते हैं सब कुछ आपके नियंत्रण में है प्रभु, आप हमारे जीवन में वो भी जो आसपास की चीज़ों को नियंत्रित करते हैं, हमें नियंत्रित करते हैं ताकि हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा मन शांत रहे प्रभु। हमारी हर प्रकार से सहायता, मदद करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और हमारे जीवन में भरपूरी शांति लाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने जो हमारी चिंताओं को, हमारे भय को दूर किया है प्रभु, वो सदा ही हमारे जीवन में बना रहे ताकि हम हर प्रकार की चिंताओं से, हमारे बोझ से, हर प्रकार के भय से हम दूर रहें। हालेलुया, धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु आपकी महिमा। हाँ प्रभु, आपकी योजनाएं जो आप हमारे लिए लागू करते हैं वो सदा कार्य करे प्रभु, आपकी बुद्धि, आपकी ज्ञान, आपकी समझ हमारे कार्य में हो प्रभु, ताकि हम अपने निर्णय जो ले
वो आपके भलाई के द्वारा हम कार्य कर सके, आपके मार्गदर्शन के द्वारा ले, आपका अनुग्रह हमें सफलता की ओर ले जाए। हमें विश्वास है प्रभु कि आप हमारे जीवन के लिए एक उद्देश्य और महत्वपूर्ण योजना बनाए हैं, वो हमारे जीवन में लागू हो, हम अपना जीवन को दृढ़ करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं उन भाई और बहनों के लिए प्रभु, जिनके लंबित कार्य बहुत दिनों से है प्रभु, उस लंबित कार्य को पूरा करने के लिए प्रभु आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आप जो प्रभु पूरा करने वाले, आप पूर्ण प्रभु, आप पूर्णता के प्रभु हैं। हम आपके सामने सभी कार्यों पर योजनाओं को रखते हैं जो लंबित है प्रभु, हम उन्हें पूरा करने के लिए आपका मार्गदर्शन, आपकी शक्ति, आपकी दक्षता चाहते हैं। और हमें विश्वास है प्रभु कि आज आप उन्हें सफल निष्कर्ष तक पहुंचाएंगे, कोई भी काम पेंडिंग न रहे यीशु मसीह के नाम से। और लंबित कार्य जो बहुत दिनों से चला आ रहा है, आज प्रभु आपके नाम से हम उसे निष्कर्ष तक पहुंचाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम अपनी सभी चिंताओं को, इच्छाओं को आपको सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम जानते हैं कि आप अपने वादे के प्रति वफादार और सच्चे हैं, जिस प्रकार से आपने हमारे पूर्वजों के साथ हमारे पूर्वजों के जीवन में प्रभु आपने आशीषित किया, उनको बहुत याद से भरपूरी दी प्रभु। हम आज वो वायदा आज मांगते हैं और हमारे जीवन में लागू करते हैं। हम प्रभु आपकी महिमा, आपकी करुणा, आपकी दया सदा बनी रहती है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में महिमा सहित अपने धन के अनुसार तुम्हारी हर एक आवश्यकता को पूरा करेगा। आमीन हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, आप जो हमारे सुधि लेते हैं, हमारे प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसका उत्तर हाँ और आमीन में देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।